आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं हूं डॉक्टर संतोष मंडले। जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं आप इस गाय को, जिसका जो हार्न है पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, क्योंकि जो पशुपालक के द्वारा बताया गया है कि काफ़ी समय से जो सींग वो हिल रहा था और आखिरी में जो इन्फेक्शन होने के कारण यहाँ से बेस से गिरकर अलग हो चुका। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कैंसर्स ग्रोथ हो चुकी है और अंदर से पस आ रहा, जिसके कारण इस पशु को बार बार इचिंग होती और जो जख्म है वो थोड़ा सा भरने लग जाता, लेकिन अंदर इन्फेक्शन होने के कारण ये बार बार अपने पैरों से मार लेता और यहाँ पर जो है कैंसर्स ग्रोथ हो चुकी। तो इसे यहाँ पर ठीक करने के लिए हमें जो है हार्न का एम्पोटेशन करना होगा। यहाँ पर आज हम दिखाएंगे कि जो कार्नो नर्व ब्लॉक कैसे करते हैं, वो क्या तरीका है, किस तरह से हमें जो साइट है उसे कैसे पालपेट करें, कैसे देखेंगे, इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम जो है कार्नो नर्व ब्लॉक करने जा रहे हैं, क्योंकि एम्पुटेशन आप हार्न करना है। तो जो लेटरल कैंथस है आई है इसके, और जो हार्न है उसके बेस से यहाँ पर एक हमको हल्का सा एक डिप्रेशन यहाँ पर फील हो रहा है, क्योंकि इसमें हम कार्नोल जो गाय भैंस उसमें हम कार्नोल नर्व ब्लॉक करते हैं, और बकरी की बात करते तो एक इंफ्राट्रोकिन नर्व ब्लॉक हमें वहाँ पर करना होता है। तो इस तरह से हमें जो लोकल एनेस्थेटिक उसको चारों तरफ आसपास यहाँ पर डिपोजिट करना होगा, जिससे क्या होगा सर्जरी के दौरान इस पशु को, इस गाय को बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होगा और जो है ऑपरेशन करने में हमें यहाँ पर आसानी होगी। तो जो लोकल एनेस्थेटिक हमें 5-10 ml के करीब यहाँ पर हम दे सकते हैं। इस तरह से 2 मिनट बाद ये जो है एरिया वो सुन्न हो जाएगा, ठीक है।